देहरादून के ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर चल रहा विवाद सुलझाने का नाम नहीं ले रहा है। आज मेयर विनोद चमोली सहजधारा रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से वार्ता कर उनसे 1.5 महीने का और समय मांगा। लेकिन लोग भी इस बात पर अड़े रहे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश साफ हैं कि 16 दिसंबर के बाद से कूड़ा सहजधारा के बजाय सीसमबाड़ा में बन रहे प्रोसेसिंग प्लांट में ही डाला जाए और निगम को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना चाहिए। साथ ही लोगों ने कल से ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़ा ना डालने जाने की चेतावनी देते हुए कहा कि वे कल से नगर निगम की गाड़ियों को ट्रेंचिंग ग्राउंड में नहीं आने देंगे। ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर विवाद तो स्वाभाविक है, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर कूड़ा डालना बंद करने का प्रयास हुआ था तो हम लोगों ने बैठ के बात की थी और उसमें ये विषय निकल कर आया था कि हम 16 तारीख तक इसको समाधान कर देंगे, 16 दिसंबर तक, और यहाँ पर कूड़ा नहीं पड़ेगा। तो वो अपने स्टैंड पर ठीक है, उनका ये कहना है कि भाई आपने कहा था, लेकिन आज कठिनाई ये है कि बहुत सारे प्रोसीजरियल जो खामियां हैं उसके कारण वहाँ पर जो सीसमबाड़ा में हमारा प्रोजेक्ट लगना था उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ, और जो 2-2.5 महीने का जो उसके उद्घाटन में समय लगा वही अंतर आज आया है। अगर वो 2-2.5 महीने पहले हो गया होता तो संभवतः आज यहाँ कूड़ा ना पड़ रहा होता, आज से हम कूड़ा वहाँ डाल रहे होते। लेकिन ये कठिनाई हमारे सामने, एक तरफ पूरे शहर का कूड़ा है, एक तरफ यहाँ के लोगों की समस्या है, इसके बीच में तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। तो मैंने अनुरोध किया है कि भाई मैं 1 फरवरी से, क्योंकि मैंने कंपनी को निर्देश किया है और उनके साथ बैठ के जो हमने वर्कआउट किया है तो उसमें ये 1 फरवरी से हम लोग कूड़ा लेने की स्थिति में आ जाएंगे वहाँ पर। तो मैंने कहा 1 फरवरी से कूड़ा सीसमबाड़ा जाएगा, यहाँ नहीं पड़ेगा, और तब तक के लिए जो भी व्यवस्थाएँ यहाँ पर की जानी है इसको ठीक ठाक रखना है। पहले से बेहतर स्थिति में है, लेकिन इससे भी बेहतर अगर किया जा सकता तो हम उसके प्रयास करेंगे। मैंने लोगों से अनुरोध किया है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात मानेंगे। सर कल से कूड़ा यहाँ आएगा या नहीं आएगा? देखो अभी तो आएगा, क्योंकि और कहाँ जाएगा, कूड़ा रोका तो कूड़ा जा सकता है, कूड़े को तो आना ही होगा ना। लेकिन यह है कि जो लोगों की समस्या है, और मैंने कहा है देखो बहुत लंबे समय से लोगों ने कष्ट को झेला है, मैं समझता हूँ आज 14 साल से लोग इस कूड़े को झेल रहे हैं, तो मैंने अनुरोध किया है कि आज लगभग समाधान की ओर हम चल पड़े हैं और मात्र 1.5 महीने का समय रह गया है, तो 1.5 महीने तक और सहयोग करें। जहाँ इतना सहयोग किया, और मुझे लगता है कि देहरादून के सब सुलझे हुए नागरिक हैं, आज तक आप लोगों ने मुझे सहयोग किया है तो आगे 1.5 महीने भी सहयोग देंगे और इसका समाधान निकलने जा रहा है। सर अगर कल गाड़ियां आती लोग नहीं रोकेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो समस्या उसका समाधान किया जाएगा। ये पार्क निर्माण का काम भी सर? हाँ निश्चित तौर पर, देखिए मैंने कहा भी है, नगर निगम बोर्ड से मैंने प्रस्ताव पास भी किया है कि सिटी पार्क के तौर पर हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। मैंने अपने आर्किटेक्ट को बाकायदा इसको डिजाइन करने के लिए भी कह दिया है, साथ में क्योंकि यहाँ पर ट्रंचिंग ग्राउंड रहा है तो इसमें एक साइंटिफिक तरीके से इसको जो मिट्टी से ढकना है, इसकी लेयरिंग होगी, तो उसके लिए भी मैंने कंपनी को कह दिया वो अपना प्रस्ताव मुझे तुरंत सबमिट करें कि कितना खर्चा इसमें आना, उसको भी हम करेंगे। और यहाँ पर एक भव्य पार्क बनेगा, और मैंने कहा कि जितना लोगों ने यहाँ कष्ट सहे हैं हम ब्याज सहित सबका वापस करके जाएंगे। जो इन्होंने 16 पॉइंट मैंने सबसे अपील करी है कि कुछ नहीं करना है, हम सुप्रीम कोर्ट को आदेश का पालन करेंगे, अगर करने का नहीं कर सकता तो जनता करेगी, और कल से हम पूरा डरने नहीं देंगे। दिया था एक काम नहीं हुआ, 1 महीने की क्या गारंटी है, इन्होंने कहा 2 महीने काम नहीं हो पाया, इन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट को कि साहब हमको सरकार काम नहीं करने दे रही है, आप हमको परमिशन दीजिए, क्यों नहीं किया। ये दीवार के लिए टेंडर नवंबर के एंड में किया गया जबकि मई में हो जाना चाहिए था, सिर्फ दिखाने के लिए, और आसमान आ गया कि दीवार बनेगी, कल के बाद यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ेगा, तो सफाई नहीं होती है, निगम की गाड़ियाँ आती तो आप लोग हम रोक रोकेंगे रोकेंगे। यस।